नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज झारखंड में दो गतिविधियां हुई। पहला कि आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक किया, इसमें नौकरी लाने की स्वीकृति दी गई। दूसरा, बहुत दिन से इंतजार में खड़े स्टूडेंट्स को आज एक रास्ता दिखा, सुपर टेट की घोषणा हो गई, सिलेबस प्रकाशित कर दिया गया। सभी चीजों पर बात कर लेंगे आपके साथ में और ये बताएंगे कि क्या झारखंड में अब अच्छे दिन आने वाले हैं या फिर मांडर उपचुनाव को देखते हुए यह सब कुछ किया जा रहा है, क्या सच है? क्योंकि झारखंड में युवा बहुत परेशान था। हालांकि जेपीएससी ने अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सही मायने में कहा जाए तो जेपीएससी है जो काम इस समय में कर रही है। 11 जेपीएससी को लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। इसी बीच में देर शाम को मुख्यमंत्री के स्तर से ट्वीट आया। ट्वीट में कहा गया कि उन्होंने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में आज सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक महीने के अंदर सभी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, यानी कि टीचर के 38,000 पद निकाल दीजिए और गृह विभाग के 3,000 पद, फॉरेस्ट के 4,100 पद, ये तमाम नियुक्ति जल्द से जल्द होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये नियुक्ति क्यों रुकी हुई है उन्हें समझ से में नहीं आ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि क्या इस बार की समीक्षा बैठक में क्या अधिकारी इस निर्देश को मानते हैं, क्योंकि ऐसी समीक्षा बैठक कई बार हो चुकी है और यही कारण है कि ट्विटर में देखते ही देखते लोगों के कमेंट आने लगे। एक व्यक्ति ने लिखा कि इस प्रकार की घोषणा पहले भी हुई है और मांडर उपचुनाव को देखते हुए इस समय में घोषणा किया जा रहा है, इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षित जो शिक्षक संघ है उन्होंने इस घोषणा का स्वागत किया, क्योंकि बहुत दिनों से स्टूडेंट बैठे हुए थे, सुपर टेट का डिमांड कर रहे थे। 1-5 और 6-8 कैटेगरी में ये टीचर की वैकेंसी निकल रही है। अब इसमें नियमावली आ गया और नियमावली चूंकि जेएसएससी परीक्षा लेगी तो पूर्व में जो नियम था कि मैट्रिक इंटर झारखंड से होना चाहिए और आप बीएड अथवा डीएलएड मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी कॉलेज से होना चाहिए आपका, ये सारी चीजें रहेगी। सिलेबस भी प्रकाशित कर दिया गया 6-8 और साथ ही साथ सोशल साइंस और जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए। अब ये देखना पड़ेगा कि जो विषय से बीएड नहीं हो पाता या फिर जिनकी महत्व कम है उनको क्या रोल दिया जाएगा, किस प्रकार के रोल में वो आएंगे, क्योंकि टीचर बहाली अगर हो जाता है तो झारखंड में बहुत बड़ा वर्ग खुश होगा, क्योंकि इस समय देखेंगे तो लगभग 5 लाख बच्चे तो बीएड करके बैठे हैं, 1 लाख के आसपास टेट उत्तीर्ण वाले हैं 2013 और 2016 वाले। सीटेट को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखना, क्योंकि अन्य राज्यों ने सीटेट को मौका दे दिया है तो जाहिर सी चीज है कि जब वैकेंसी आ गई है तब सीटेट वाले भी जोर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको सीधी इस एग्जाम में अपियर होने के लिए दिया जाए। पहले काउंसलिंग का प्रावधान था झारखंड में, लेकिन अब काउंसलिंग को एक प्रकार से अब ओवर रूल करते हुए अब सीधा का सीधा लाया गया है सुपर टेट, यानी कि एक और टेट परीक्षा पास करेंगे और उसके बाद टीचर में बहाली के लिए आप योग्य हो जाएंगे। वहीं नया जेटेट के पहले क्या टीचर बहाली हो जाएगी, तो अब ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी, क्योंकि नया जेटेट की घोषणा भी कुछ दिनों के अंदर होने वाली है और नया जेटेट अक्टूबर नवंबर में जाकर होगा, लेकिन उसके पहले सुपर टेट हो जाएगा। सुपर टेट हो जाने से सरकार के को बहुत रिलैक्सेशन फील होगा, क्योंकि जहां भी गवर्नमेंट के विधायक या फिर जो मंत्री और जहां भी जाते थे स्टूडेंट वहां पहुंचते थे, अपना डिमांड सामने रखते थे, वो बताते थे कि उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, 13 में टेट पास किए और अभी तक बैठे हुए, 16 वाले को तो काउंसलिंग का मौका भी नहीं मिला, लेकिन दूसरा परीक्षा का मौका अब उनको मिल जाएगा टीचर बनने के पहले। दूसरी ओर आज एक समीक्षा बैठक हुई मुख्यमंत्री की और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नियुक्ति को अविलंब पूरा कर दीजिए। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी मांडर का उपचुनाव भी होने वाला है, क्या सारे युवा फिर से मुख्यमंत्री के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आना
युवाओं को सरकार से दूर करता। पुरानी सरकार में भी यही चीज हुआ था और अंत में पुरानी सरकार के अधिकांश मंत्री और विधायक चुनाव हार गए थे। ये सरकार में लोगों ने पूरे दिल से इनके साथ अपने आप को जोड़ा, लेकिन अभी तक धरातल में जेपीएससी का एग्जाम को छोड़कर कोई एग्जाम नहीं हो पाया। जो एग्जाम होता है उसमें हाईकोर्ट की कड़ी फटकार और अभी भी सारा मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। आपने देखा होगा असिस्टेंट इंजीनियर के मामले में इतनी डांट लगी जेपीएससी को कि शाम होते होते उसने परीक्षा कैंसिल की घोषणा की। ये बोल दिया कि अब वो इसमें आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या 26 जून वाली परीक्षा हो जाएगी या फिर इसमें भी जेपीएससी डांट का इंतजार कर रही है? वही सातवीं वाली की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी जोर लगाया जा रहा है। सारी रिकॉर्ड बना लिए गए हैं और अब स्टूडेंट को विद इन अ वीक, हमें जैसा जानकारी मिल रहा है कि विद इन अ वीक मार्कशीट रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये अगर डिले होता है तो फिर एक नया विवाद जन्म ले लेगा। और आपको याद रखना होगा कि 7th जेपीएससी से जुड़ा हुआ मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में सरकार बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है, जेपीएससी भी, और चाहती है कि 11th की तैयारी कर दे और 7th से लेकर 10th वाले का लिफाफा बंद कर दिया जाए ताकि आगे से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो और प्रॉब्लम नहीं हो। हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित हो रहा है, अगर आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो 9431156794 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए।